रॉबिन हुड। बहुत अरसा पहले नॉटिंगहम इंग्लैंड में एक राजा था जिसका नाम था रिचर्ड। राजा रिचर्ड एक बुद्धिमान और उदार राजा था। नॉटिंगहम का शहर अपने राजा से बहुत प्रेम करता था। राज्य बहुत समृद्ध और खुशहाल था। पर एक दिन जब राजा रिचर्ड किसी और शहर जा रहा था, उसका जहाज समुद्र में खो गया। दिन और महीने गुजर गए, पर राजा और उसके जहाज की कोई खबर नहीं आई। पूरे शहर ने अपने प्रिय राजा के लिए शोक मनाया। राजा रिचर्ड की अनुपस्थिति में उसके छोटे भाई राजा जॉन को सिंहासन पर बिठाया गया। पर राजा जॉन अपने बड़े भाई की तरह बिल्कुल नहीं था। उसने कर बढ़ा दिए और गरीबों से सारा धन छीन लिया। शहर गुजरते दिन के साथ गरीब होता जा रहा था। नॉटिंगहम ने अपनी आशा खो दी थी, पर जैसा कि कहा गया है कि हर अन्याय के बीच एक नायक जन्म लेता है, ये कहानी ऐसे ही एक नायक की है जिसका नाम है रॉबिन हुड। रॉबिन हुड एक नौजवान लड़का था जो नॉटिंगहम के पास शेयरवुड में रहता था। अपने साथियों के साथ उसने मैरीमैन नाम का एक झुंड बना लिया। राजा जॉन द्वारा किए अन्याय को देखकर रॉबिन ने अपने लोगों की सहायता करने का दायित्व लिया। वो शाही बग्घी को लूटता राजा की चोरी करने के लिए। वो और उसके आदमी फिर चोरी किया हुआ धन वापस गरीबों में बांट देते। हर बार जब शाही बग्घी जंगल से गुजरती, रॉबिन हुड और उसके दोस्त ना जाने कहां से टपकते। उम्मीद है रॉबिन हुड आज नींद में सोया होगा। उम्मीद है वो इस जंगल से गुजरते हुए मुझे सुन न रहा हो। टोनी, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? धीमे हाँको। पर हुजूर, मैं घोड़ों से धीमे चलने को कैसे कह सकता हूँ? रॉबिन हुड हमारे कदमों की आहट भी सुन सकता है। हम जमीन पर चल रहे हैं हुजूर, ये शोर रहित नहीं हो सकता। ओ चुप रहो। पर मंत्री सही कह रहा था। रॉबिन और उसके साथी सब कुछ सुन सकते थे। और फिर अचानक, ओ नहीं, चोर, चोर! मैं कोई चोर नहीं हूँ, तुम हो। ये गरीब लोगों का पैसा है, तुम्हारा नहीं है। जाओ और अपने राजा से कहो शेरवुड की प्रजा अकेली नहीं रही। चलो जाओ यहाँ से। धन्यवाद रॉबिन हुड का जैस्मिन, हमारी जिंदगी उसकी कर्जदार है। रॉबिन हुड, शेरिफ, तुम्हें अपनी नौकरी चाहिए या नहीं? उसने ये दोबारा किया है। हमारा सारा पैसा और सोना चला गया। उस गुंडे ने ये दोबारा किया है। मैं चाहता हूँ उसको इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। हमने कोशिश की है महाराज, बहुत बार, पर वो बस गायब हो जाता है। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम ये नहीं कर सकते? नहीं, मैं करूंगा। मैं रॉबिन हुड को गिरफ्तार करूंगा। वो मेरा शत्रु है। मुझे एक मौका और दे महाराज। जो कुछ भी तुम्हें करना पड़े करो, मुझे परवाह नहीं। मुझे वो गिरफ्तार चाहिए। शेरिफ बहुत गुस्से में था। उसने रॉबिन के लिए जाल बिछाने का निर्णय लिया। शेरिफ जानता था कि एक तरीका है जिसके द्वारा स्वयं रॉबिन हुड को महल में लाया जा सकता है। केवल एक ही तरीका, और वो है लेडी मैरियन। लेडी मैरियन राजा रिचर्ड की भतीजी थी। वो बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली महिला थी। रॉबिन ने एक बार लेडी मैरियन को देखा था जब वो अपनी बग्घी में शेरवुड के जंगल से गुजर रही थी। रॉबिन ने बग्घी पर यह सोचकर हमला किया कि उसमें राजा का खजाना था। पर जैसे ही उसने लेडी मैरियन को देखा, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसने अपनी तलवार गिरा दी और अति सुंदर महिला के सामने घुटने टेक दिए। आप कौन हैं? लेडी मैरियन के लिए भी ये पहली नजर का प्रेम था। मैं मैरियन हूँ। क्या तुम रॉबिन हुड हो? आपने बिल्कुल सही पहचाना। रॉबिन, क्या तुमने सुना है? शेरिफ एक धनुष बाण प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। जीतने वाला लेडी मैरियन से शादी कर सकेगा। वो शेरिफ इतना मूर्ख है। जाहिर है कि ये एक जाल है। हर कोई जानता है कि रॉबिन हुड ही धनुष विद्या में सर्वोत्तम है।
हम नहीं जा रहे, है ना रॉबिन? पर रॉबिन टक की बात नहीं सुन रहा था। क्या तुमने कहा कि लेडी मैरियन, लिटिल जॉन, सर्वोत्तम धनुषधारी को ही लेडी मैरियन से विवाह करने का मौका मिलेगा? नहीं रॉबिन, वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे अगर तुम महल गए। पर वो मुझे पहचानेंगे कैसे? मैं खुद का भेष बदल लूंगा। ओ भाई, रुको रुको एक मिनट, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं खुद को ड्यूक ऑफ चटनी के रूप में ढाल लूंगा ताकि मैं राजा जॉन के निकट जा सकूं। जैसा कि फैसला किया गया, वो दोनों महल के फाटक पर थे। किसी ने उन्हें नहीं पहचाना सिवाय, अरे अरे तुम रॉबिन हुड हो। पर तुम फुसफुसा क्यों रहे हो हुजूर? रुको, क्या तुम राजा जॉन के सहायक नहीं हो? रुको, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, सर हिस। जितना चाहे तुम हंस लो, मैं इसी वक्त तुम दोनों को गिरफ्तार कराऊंगा। पहरेदारो, पहरेदारो। बस सर हिस को तुरंत ही एल के एक पीपे में डाला गया। अब तुम बस सर हिस ही नहीं हो, तुम्हारी तरक्की हो गई है, तुम्हें सर हिसल बना दिया गया है। क्या तुम्हें समझ में आया रॉबिन, हिस और एल? खामोश जॉन, चलो चलते हैं। नहीं, रुको, पहरेदारों। जल्दी ही रॉबिन की बारी आ गई अपना धनुष उठाने की। उसने एक के बाद एक तीन बाण चलाए और भीड़ अवाक रह गई। तीनों बाण बीचों बीच लगे थे। भीड़ ने इस शानदार धनुषधारी के लिए बहुत तालियां बजाई। रॉबिन ने अपना होड उतारा और अपनी लेडी मैरियन को ढूंढने लगा। पर तभी, इसे गिरफ्तार कर लो, यही है रॉबिन हुड। आखिर तुम्हें पकड़ लिया। पर रॉबिन बिल्कुल नहीं डरा, वो अपने मैरी मैन को बहुत अच्छी तरह जानता था। इतनी जल्दी भी क्या है शेरिफ, रॉबिन को छोड़ दो वरना अपने राजा जॉन से भी हाथ धो बैठोगे। नहीं, उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो शेरिफ, मैं मरना नहीं चाहता। सिपाहियों ने तुरंत ही रॉबिन को छोड़ दिया। रॉबिन और लिटिल जॉन फाटक की तरफ बढ़े। बाहर जाते वक्त रॉबिन ने लेडी मैरियन को देखा। मैरियन, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, इंतजार करना। हमेशा रॉबिन, हमेशा। एक बार जंगल पहुंच जाने पर रॉबिन और मैरीमैन योजना बनाने लगे कि कैसे लेडी मैरियन को फिर से लाया जाए। तभी गांव से एक लड़का रॉबिन की तरफ दौड़ता हुआ आया। रॉबिन, उन्होंने मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया। क्या, चलो चलते हैं। रॉबिन और उसके साथी घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़े और देखा कि गांव वाले सिपाहियों से लड़ रहे थे। ये राजा की आज्ञा है, उसके कर तिगुना बढ़ा दिए हैं। यदि तुम दे नहीं सकते तो मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। जाओ जाकर अपने रॉबिन हुड का धन्यवाद करो, उसने राजा को क्रोधित किया और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रॉबिन हुड एक अच्छा आदमी है, वो हमारी परवाह करता है, वो तुम्हारे स्वार्थी राजा की तरह बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं, रुक जाओ, जिसकी तलाश में तुम आए हो वो मैं हूँ, इन्हें छोड़ दो। नहीं रॉबिन, हम नहीं चाहते कि तुम जाओ, यहाँ से भाग जाओ। नहीं, इन्हें मुझे गिरफ्तार कर लेने दो। रॉबिन, तुम क्या कर रहे हो? शायद मैं एक अच्छे मकसद के लिए चुरा रहा हूँ, पर फिर भी ये एक चोरी है और मैं नहीं चाहता कि गांव के बच्चे इसी राह पर चलें। तुम सबको एक साथ खड़े होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, यही एकमात्र उपाय है। अलविदा मेरे दोस्तों, मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा। अपने नायक को जाता हुआ देखकर गांव वाले बहुत उदास हो गए, पर मैरी मैन अपने नेता को त्यागने वाले नहीं थे। उन्होंने उस बग्घी का पीछा किया पहाड़ों के अंदर से ताकि सिपाही उन्हें देख ना सके। शक्तिशाली रॉबिन हुड, गरीबों का रक्षक, दाता, बकवास, तुम एक चोर हो, एक बदमाश और एक डाकू। और आप क्या हैं, जरा बताएंगे महाराज? आप गरीबों से चुराते हैं, कर का पैसा कहाँ जाता है? आपका महल इसका क्या कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि आप इस सिंहासन पर बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीबों का पैसा चुराएंगे। मैं चोर नहीं हूँ, जो पैसा मैं लेता हूँ वो मेरे लोगों का है, मैं उन्हें ये वापस करता हूँ जिस पर उनका हक है। हमारे महाराज राजा रिचर्ड को वापस आने दीजिए, वो देखेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। खामोश, फौरन इसे तहखाने में डाल दो।
नॉटिंगहैम का शहर अब सचमुच बहुत बड़े खतरे में था। उनका बचाने वाला पकड़ा गया था, पर क्या मैरी मैन राजा जॉन को जीतने देंगे? डक, तुम क्या कर रहे हो? आग, आग, भागो, खुद को बचाओ। रॉबिन, जल्दी आओ, महल में आग लगी है। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मुझे भी राजा जॉन पसंद नहीं है, मैं उसके बारे में गलत था, चलो चले। रॉबिन को शेरिफ पर भरोसा नहीं था, पर उसे महल से निकलना पड़ा। वो छत तक शेरिफ के पीछे गया। अब क्या? अब मैं जीत गया। अब तुम कहाँ जाओगे रॉबिन? नीचे पानी बहुत गहरा है और सब जगह धनुषधारी तैनात हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा भरोसा नहीं किया जा सकता शेरिफ। अलविदा। बेवकूफ हो तुम, अब तुम कभी नहीं बच पाओगे। पर रॉबिन हुड बच गया। वो बहती हुई नदी में बचकर निकल गया नहर से तैरकर बाहर जंगल में। उम्मीद है मेरे सब लोग ठीक होंगे। पर महल में कुछ अनपेक्षित घटा। राजा रिचर्ड अपने राज्य में वापस आ गए थे। जब आग बुझाई गई, उसके बाद नॉटिंगहैम की प्रजा महल में इकट्ठी हुई राजा जॉन और शेरिफ के बारे में शिकायत करने के लिए। मैं अपनी प्रजा से क्षमा चाहता हूँ, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुमने मुझे निराश किया है जॉन। राजा जॉन, सर हिस और शेरिफ को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। नहीं नहीं महाराज, कृपा कीजिए। ओ बकवास बंद करो, एक कारण है कि तुम्हारा नाम हिस क्यों है। मैं आज्ञा देता हूँ कि मैरीमैन को रिहा किया जाए और रॉबिन हुड के ऊपर लगाए गए सभी दोष को हटा दिया जाए। असल में उस जैसे बहादुर व्यक्ति को तो इनाम दिया जाना चाहिए। उसे महल में लाओ और उसका सम्मान करो। ये, ये, रॉबिन, क्या बात है रॉबिन, ये, ये, ये। राजा रिचर्ड को जल्दी ही पता लग गया कि लेडी मैरियन को रॉबिन हुड से प्रेम हो गया था और वो उससे विवाह करना चाहती थी। राजा रिचर्ड को भी वो पसंद था। उसे बहुत ज्यादा खुशी थी कि अपनी भतीजी की शादी एक अभिजात पुरुष से की जाए। नॉटिंगहैम ने खुशियां मनाई जब उनका नायक सम्मानित हुआ और पुरस्कृत हुआ। रॉबिन हुड शेरवुड के जंगलों में लेडी मैरियन के साथ रहने लगा। वो अपने सामान्य जीवन से खुश था। वो नॉटिंगहैम के लोगों के साथ नाचता और गाता। रॉबिन हुड और मैरी मैन ने फिर दोबारा कभी चोरी नहीं की।